प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से 40 एकड़ क्षेत्र में इस स्मारक का निर्माण किया गया है। सर्किल ऑफ इमोर्टैलिटी जो इस स्मारक के बीचों बीच स्थित है, ये अमरत्व का प्रतीक है। इसके चारों कोनों पर भी अमर ज्योति प्रज्वलित है। अमर ज्योति से उठती ज्वाला जिसके सामने दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। 15 मीटर ऊंचा अमर स्तंभ भी सैनिकों के कभी न टिकने वाले विश्वास और आत्मबल का अंकित है सुनहरे अक्षरों में, जबकि नीचे दो दिशाओं में अंकित हैं ये तेरह पंक्तियां मरने वालों का यही भक्ति निशान होगा। इसी अमर चक्र में अमर स्तंभ के पीछे खड़ी अंतर से स्क्वाड्रन लीडर आकाश को नजर चाहिए। उस समय गार्ड कमांडर सलाम की और फिर शो की शक्ति का आदेश देंगे। लेकिन बादल लास्ट लगाई देंगे जबकि अन्य सावधान के मुद्रा में खड़े होंगे। लास्ट कोच की धुन समाप्त होते ही अमर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। उस दौरान सभी सिर्फ कार्य खड़े होंगे। मौन के बाद सलाम जय सचिव। इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार पर अब से कुछ ही पलों पहले भारत सरकार के रक्षा सचिव श्री गिरधर हरमणि का मार्शल बी आर चौर ने बीबीएसएन एबीएसएन बीएम एबीसी का आगमन हुआ, जिनकी अगुवाई की। उसके पश्चात नौसेना अध्यक्ष अंदर आर कुमार कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजपाल सिंह का भी आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक में। जो दूसरा चक्र है जो हम सबकी चर्चा का बात करेंगे और शौर्य और उत्तर पर त्याग चक्र के वीरों का मानव यशगान कर रही हूँ। यही खड़ी है विगुलवाद समर स्मारक के चौथे और बाहरी चक्र में चारों तरफ घने वृक्षों की लंबी कतार है। इसे रक्षक चक्र सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। लगभग 700 की संख्या में ये वृक्ष हमारे प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो 2400 घंटे और देशवासियों की सेवा कर रही हैं। अटल अडिग सूर्य की रश्मियों से इस समय आलोकित है समर स्मारक का पूरा क्षेत्र। सबको ऊर्जावान बना रहा है ताकि भारत के नित आगे बढ़ते कदम को और गति मिले। संकल्पों को अभिव्यक्त कर रहा है ऊर्जा से ओतप्रोत ये समर स्मारक। दिव्य सज्जनों, ये इस देश के सामूहिक संस्कार है कि हम सदैव ऐसे राष्ट्रीय आयोजन से पहले अपने वीरों को अपने शहीदों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और इसीलिए प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले माननीय प्रधानमंत्री यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनरल नरेंद्र चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर कुमार और वायुसेना अध्यक्ष सज्जनों, यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा के लिए, इसकी सीमाओं और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च विजय चौक से लेकर यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक तक विस्तृत कर्तव्य पर आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रप्रथम के संकल्पों के साथ हम सब प्रेरणा दे रहा है। यही वो भाव है, यही वो प्रेरणा है जो आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के संकल्प को आकार देकर इसे साकार किया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व प्रवेश कर रही थी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हम श्रद्धा भाव से आज प्रसाद करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में शहीदों बलिदानियों का